समाजवादी पार्टी देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो धर्मनिरपेक्षता का सबसे अधिक दम भरती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में जितने दंगे उत्तर प्रदेश की सरकार के दौरान, आपकी सरकार के दौरान हुए हैं, उतने उतने दंगे जो है हाल फिलहाल में किसी और सरकार में देखने को नहीं मिले हैं। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी दम नहीं भरती, बल्कि समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई है वो सेक्युलरिज्म के आधार पे हुई है, और सेक्युलरिज्म को लेकर हमारे नेताजी ने एक सरकार भी गंवा दी थी, लेकिन धर्मनिरपेक्षता पे आंच नहीं आने दिया। जहां तक सवाल है ये दंगों की बात है, तो चूंकि जब भी हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी 89 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने किसानों को 10,000 कर्जा माफ किया, इंटर तक फीस माफ किया, पर्चा माफ कर दिया अस्पताल का, तो यही सांप्रदायिक पूंजीवादी ताकतें उनके खिलाफ मंदिर मुद्दा उठा दिया। माननीय अखिलेश यादव जी जब से सरकार बनी है, जो वादा किया गया था चुनावी घोषणा पत्र में, सारे वादे पूरे कर रहे हैं। गरीबों के लोहिया आवाज दे रहे हैं 100 लाख का, लैपटॉप वितरण हो रहा है, शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं या गरीबों की लड़कियां हैं उनको कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, और विकास भी तेजी के साथ आ रहा है, लखनऊ में मेट्रो आ रहा है। तो ये सांप्रदायिक ताकतें, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, ये लोग जो है सरकार को बदनाम करने के लिए ये प्रायोजित दंगा करा रही है। चलिए, आपने तो अपने सरकार के विकास की बात की और आपने कहा कि जो घोषणा पत्र में जो कुछ भी वायदे किए गए थे उनको पूरा किया जा रहा है, लेकिन एक टिप्पणी आपसे चाहेंगे जिसके लिए आज खास तौर से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आप ही के पार्टी के बड़े नेता महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा है कि अखिलेश यादव जो है वो नौसिखिया मुख्यमंत्री है, उनमें अनुभव कमी है और अनुभव आने में, अनुभव को समझने में, आत्मसात करने में समय लगता है। इस पर क्या कहेंगे शिव प्रताप जी? देखिए, ऐसा है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला इलाहाबाद में हुआ, जहाँ 50 करोड़ के लगभग लोग आए, और इतना अच्छा मैनेजमेंट किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अमेरिका में इनको इनवाइट किया गया कि आपने कैसे ये इतना अरेंजमेंट कर दिया, तो अनुभवहीन कहाँ हुए। और अभी देखिए, जो साधु संतों ने, जो भीख वालों ने 84 कोसी परिक्रमा के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग मैनेजमेंट किया कि वहां पर जो है कोई ऐसा दंगा फसाद या कोई नहीं हो पाया। इसमें जो मुजफ्फरनगर का घटना हुआ है, ये तो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ताकतें यहाँ पर, यहाँ तक कि बसपा कांग्रेस सारे लोगों ने मिलकर जो है सोशल साइट पे जो है दिखाया गया, पूरा योजना बनाया दिया गया और उसके बाद में दंगा कराया गया। इसको भी हमारे मुख्यमंत्री जो है निपटेंगे। जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, नौसिखिया का सवाल है, मुख्यमंत्री जी जो है इस चीज का अनुभव नहीं है, दल बदल का मुख्यमंत्री जी को बेईमानी का जो है अनुभव नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अनुभव है, और वो इतने साल से, करीब 15-20 साल से सांसद हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी गांव तक उन्होंने साइकिल रैली चलाई है, गरीबों का दुख दर्द जानते हैं, जनता का दुख दर्द जानते हैं, और ये जो है माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा जानकार कोई आज ऐसा मुख्यमंत्री है। आपकी बात से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति मैंने पकड़ ली। आपने कहा कि आपके मुख्यमंत्री को दल बदल का जो है अनुभव नहीं है, दल नहीं बदलते वो, तो यानी आपका इशारा नरेश अग्रवाल की ओर है। आप कह रहे हैं कि नरेश अग्रवाल जो है दल बदलते रहते हैं और इसीलिए उनके उनके बयान में ये तलखी है। तो आप जब स्वयं मानते हैं कि नरेश अग्रवाल आपकी पार्टी के एक लॉयल नेता नहीं है, तो क्या आप कहेंगे कि उनके ऊपर पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, जब उन्होंने खुद ही ये कह दिया है कि आपके मुख्यमंत्री जो है उनमें अनुभव की कमी है? शिव प्रताप जी, देखिए ऐसा है, देखिए वो बड़े नेता है, उनके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। मैंने जो अपना अनुभव है, क्योंकि मैं 33 साल से मैं समाजवादी नेता जी के साथ रहा हूँ, और जो है न कभी दल बदल नहीं किया, कभी निष्ठा नेता नहीं बदला, कभी झंडा नहीं बदला, तो उस आधार में मैं कह रहा हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी पाक साफ हैं और सही इरादे के हैं, और बहुत जल्दी ही जो है दंगे को रोकेंगे, और जो जैसा जाकी रही भावना जैसी पर मुहूर्त देखी तिन तैसी, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। ये इशारा जो है जाकी रही भावना, ये इशारा जो है आप नरेश अग्रवाल की ओर कर रहे हैं, तो खुलकर करिए। ना, नहीं, किसी को, हम तो सभी
ये सभी लोग जो मुख्यमंत्री जी की आलोचना कर रहे हैं सबके बारे में कह रहा हूँ, वो देखें ऐसा 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 कुशल मुख्यमंत्री जो पूरे दुनिया ने सराहा कुंभ मेला में जिस तरीके से मैनेजमेंट किया। शिवप्रताप जी, मोहन सिंह जी क्या छोटे नेता थे? कमाल फारूकी छोटे नेता थे जिन पर कार्रवाई हुई, तो फिर नरेश अग्रवाल क्यों बचेंगे? ऐसा ही हाई कमांड जाने, हमें इस पे कुछ नहीं कहना है। हम अपनी बात, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी लीग से हटकर किसी ने भी कोई बयान दिया? शिवप्रताप जी, पार्टी लीग से हटकर किसी ने कोई भी बयान दिया उस पर कार्रवाई हुई है? मोहन सिंह ने अखिलेश जी के लिए ही कहा था, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, उनको उनके पद से हटाया गया। कमाल फारूकी ने पार्टी लीग से हटकर बयान दिया, उनको हटा दिया गया। एक बार फिर इस तरह का बयान नरेश अग्रवाल की तरफ से आया, तो क्या लगता है कि इस पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, ये हाई कमांड को तय करना है। ये देखिए, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, नेताजी का सिपाही हूँ और सेवा कर रहा हूँ नेताजी के, मतलब जो हमको जिम्मेदारी दिया है, और इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। ये तो हाई कमांड को तय करना है, मैं मेरे लेवल का बात नहीं है। शिव प्रताप जी, यहाँ पर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि चलिए, आपके मुख्यमंत्री को आप ही के नेता नौसिखिया कह रहे हैं या अनुभव की कमी बता रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि आपके राज्य में जो है एक मुख्यमंत्री नहीं है, 4.5 मुख्यमंत्री हैं, और तमाम तरीके की बातें आपके मुख्यमंत्री के बारे में कही जाती हैं। इस मसले को अभी एक सेकंड के लिए छोड़ भी दें, तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 साल में 2 दर्जन से ज्यादा दंगे के मामले सामने आ चुके हैं, अगर ऐसा ही किसी भाजपा शासित राज्य में हो रहा होता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो करवा रहे दंगा। अभी देखिए क्लियर हुआ, सोशल साइट जो इन्होंने मतलब नेट पे दिया है सब इन्होंने करवाया। ये देखिए, 84 कोसी परिक्रमा, जबकि कोई जरूरत नहीं थी। 84 कोसी परिक्रमा होता है चैत्र मास में, मार्च में होता है, और इन्होंने चूंकि चुनाव आ रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सांप्रदायिक शक्तियों के पास, भारतीय जनता के पास, पार्टी के पास, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं वोट के लिए। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है, शिवप्रताप जी, कई लोगों का ये भी मानना है कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी का टाई अप है, क्योंकि अभी लालजी टंडन जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के ही तमाम बड़े नेता जो है ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं जिससे दंगे फैले, तो आपकी पार्टी के भी तमाम बड़े नेता इससे, इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। और पिछले 10 दिनों की बात अगर करें तो पिछले 10 दिनों से ये प्रकरण जो है धीरे धीरे सुगबुगाहट इसकी चल रही थी, मीडिया में भी इसकी खबरें आ रही थी, पिछले 10 दिन में आपने ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है सेक्युलरिज्म के आधार पर बना है। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, तो सब जानते हैं भाई बहन का रिश्ता। यही लालजी टंडन जी राखी बनवाते थे मायावती जी से, और 3 बार जो है मायावती को मुख्यमंत्री बनाए भारतीय जनता पार्टी वालों ने। तो ये भाजपा और बसपा का हमेशा रहा है, समाजवादी पार्टी का तो जो है 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से। लेकिन शिवप्रताप जी, एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आई कि जब दुर्गा शक्ति का प्रकरण सामने आया तो आपकी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर बहुत पहले ही कह दिया कि दंगों की आशंका थी, इसलिए जो है उनको हटा दिया गया। इसके अलावा 84 कोसी परिक्रमा को आपने रोक दिया क्योंकि दंगों की आशंका थी। पिछले 10 दिन से जहाँ पे दंगे हो रहे हैं, दंगों की कवायद चल रही है, वहाँ पर आपकी पार्टी सुस्त पड़ गई, तो कहीं ना कहीं आम जनता को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि पिछले 10 दिन तक आपकी सरकार जो है वो शांत पड़ी रही, और अब जब लोग मर गए तब जाकर के वहां पर कार्रवाई शुरू हुई है। देखिए, ऐसा है, जहां तक सवाल है इसका, तो हमारी सरकार सजग थी, और देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक ताकतों ने गुपचुप तरीके से, सोशल साइट से और तमाम तरीके से प्रयास किया जी, और इसको तो हम समझ चुके हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, प्रदेश अध्यक्ष आरएलडी के। मुन्ना सिंह जी, स्वागत है आपका। हम यही समझना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर उन्होंने उनका ये कहना है कि नौसिखियां हैं अभी, चूंकि उनको सीखने में वक्त लगेगा, इस वजह से ये सारी जो कमियां हैं वो सामने आ रही हैं। जानना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव, जो कि इतने बड़े देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो घटनाक्रम आ रहे हैं उसके जरिए ये माना जाए कि वो नौसिखियां हैं अभी? नहीं, उनमें इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति होना चाहिए तभी जो है किसी राजनीतिक में इच्छा शक्ति हो तभी वो काम कर सकता है।
तो चूंकि अपराधियों का और पुलिस के जो नाकारा अफसर हैं उनको चार्ज देकर के पूरे प्रदेश को नफरत के आग में झोंकना चाहते हैं। 27 तारीख को एक मामूली घटना घटी, अगर पुलिस सचेत होती और प्रशासन सचेत होता तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोका जा सकता था। आपने सही कहा कि अयोध्या और फैजाबाद में तो 8,000 पुलिसकर्मी लगा दिए गए, छावनी बना दिया गया, बिल्कुल। और यहाँ जो है 30 तारीख को पंचायत होती है, 31 तारीख को पंचायत होती है, फिर डीजीपी जाता है और मुंह छिपा करके लोग भाग आते हैं जी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है जो आज आपने सेना बुलाया? आपके मसला नहीं था तो पहले सेना बुला लेते। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस तरफ पश्चिम में ये बातें जो है बहुत ही आम है और वहाँ बड़ा सेंसिटिव माहौल रहता है अक्सर। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सीधे सीधे प्रशासन की नाकामी की वजह से ऐसा हुआ है या कुछ लोग वाकई इतने शातिर हैं जो इस तरीके के कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं? हम समझते हैं कि जो मुजफ्फरनगर उसके आस पास हो रहा है ये इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ताजी थी। गंगा जमुनी किसान एक साथ रहता था और मुख्यमंत्री और उनके अफसरों की नजर लग गई है और सपा बसपा और बीजेपी तीनों मिलकर के प्रदेश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। जी श्री प्रताप जी, क्या जवाब आपके पास? एक तरफ तो अयोध्या में इतने भारी संख्या में सैनिक जो पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी गई, दूसरी तरफ एक जगह आपको आपने आग को पनपने दिया, क्यों वहां पर इस तरह के सख्त कदम नहीं उठाए ताकि इस तरह की स्थिति ना पैदा होती? देखिए ऐसा है, जहां तक अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा का सवाल है वो पहले से विश्व हिंदू परिषद ने घोषित कर दिया था, ओपन कर दिया था और इसमें तो भारतीय जनता पार्टी यहां तक लोकदल के लोग भी उसमें शामिल हैं और कांग्रेस और भाजपा, इन लोगों ने साजिश करके गुप्त रूप से जो साजिश किया दंगे की और जब कार्रवाई जब डीएम उस बैठक में शामिल हो चुके थे और जो वो बैठकें जो हुई थी वो सार्वजनिक तौर पर की गई थी तो ये गुप्त कहाँ से रह गई? जब आपके आपका इंटेलिजेंस क्या इतना मजबूत नहीं है या आपके प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? आखिर इतने दिनों तक क्यों इस मामले पर जो है नरमी बरती गई आपकी सरकार की ओर से? देखिए ऐसा है, हमारी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, कोई जनसभा करता है कोई मीटिंग करता है तो हमने नहीं, ये साजिश जो जिस तरीके से ये इसके पीछे मंशा थी ये इतना इस हद तक नहीं सोचा जा सकता था कि नेता होकर विधायक होकर या विधानमंडल दल के नेता होकर वो ऐसा हरकत करेंगे, ऐसी घिनौनी कार्य करेंगे, दंगा कराने की कोशिश करेंगे वोट के लिए, ये नहीं सोचा था। चलिए मुन्ना सिंह चौहान से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तविक रूप है, जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं शिव प्रताप यादव के वो भी इस तरह की घटनाओं में शामिल थे, उन्होंने भड़काने को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें कही, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मुन्ना सिंह चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शिव प्रताप यादव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, माधुरी जी भी बने हुए हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। colleges B Pharma, D Pharma, MBA, BEd, Diploma in Engineering, Polytechnic, Mechanical, Civil, Electrical, Electronics and Communication. Join करें OM Group of Colleges. संपर्क करें 01 onward Roorkee from Patanjali Yogpeeth, opposite Arogyam, NH58, Roorkee, Haridwar. आप संस्थान की वेबसाइट www.ocollege.org द्वारा भी प्रवेश की प्रक्रिया जान सकते हैं। देखिए शिरडी के साईं बाबा की आरती का सीधा प्रसारण प्रतिदिन सुबह 4:30 पर सिर्फ साधना न्यूज पर। झांसी हो या काशी, लखनऊ हो या मऊ, सहारनपुर या गोरखपुर, मुरादाबाद या इलाहाबाद, बरेली हो या रायबरेली, वृंदावन की गलियां चाहे हो बलिया, खबर जहां हम वहां, उत्तर प्रदेश के 70 जिलों की हर खबर सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज यूपी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नौसिखिया हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता ये कहता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें अनुभव की कमी है, वो भी नौसिखिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़े नेता ये कहते हैं कि इतने सारे बड़े फैसले उन्होंने ले लिए, कैसे कहा जा सकता है। दो विरोधाभास की स्थिति मजबूत पैदा हो रही है, बिल्कुल विरोधाभास की स्थिति है, लेकिन चर्चा हमारे क्योंकि मुजफ्फरनगर पर भी हो चली है तो हम उनसे बात करेंगे, शिव प्रताप यादव जी से। उनसे शिव प्रताप जी, आपसे मेरा एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि आपने कहा कि ये विरोधियों की साजिश है जो कि सोशल मीडिया को उपयोग कर उसका दुरुपयोग करके इस तरीके के दंगे को फैला रहे हैं या और भी जो है सरकार के लिए तमाम दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं, तो विरोधियों की साजिश अगर आप करार दे रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि आप राजनीति में हैं, और अगर आप राजनीति में हैं तो आपका काम है आप साजिश को पकड़िए और साजिश को नाकाम करिए। आखिर आप साजिश को पकड़ने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नाकाम नहीं हो रहे हैं। साजिश को पकड़ लिया गया है और इसीलिए FIR भी हुई है और कार्रवाई भी की जा रही है, और सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से किया जाएगा। जो भी दंगाई होगा, चाहे जितना कोई बड़ा नेता होगा या कितना भी पहुंच वाला होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिन अधिकारियों ने इसमें शिथिलता बरती है या जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और कार्रवाई शुरू हो गई है। शिव प्रताप जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जुड़े हुए हैं और वो ये उनका ये आरोप है कि जो भी अभी तक FIR ज्यादातर दर्ज हुई है उसमें आप जो है उसमें भाजपा के ही तमाम बड़े नेताओं पर FIR दर्ज हुई है, चार बड़े नेता हैं उसमें विधायक हैं। यही साजिश कर रहे हैं तो किसके ऊपर दर्ज होगा? अभी तो आप कह रहे थे कि तमाम दलों के नेता हैं इसमें, रालोद भी शामिल है, BSP भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, तो फिर सबके खिलाफ क्यों नहीं, सिर्फ BJP क्यों? नहीं नहीं, देखिए ये इनका आशीर्वाद है जी, इन लोगों का जो है समर्थन है, लेकिन बाकायदा फ्रंट पे तो यही लोग आए हैं, तो बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए, यही लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो कानून तो सबके लिए बराबर है, अलग अलग क्यों? चाहे जिस पार्टी के नेता हो, चाहे बड़े नेता हो, बड़े से बड़े पहुंच वाले हो या बड़ा अधिकारी, किसी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, जब बात दंगों की होती है तो गुजरात की चर्चा होती है, लेकिन पिछले 1.5 साल में जितने दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सब सिर्फ समाजवादी पार्टी के नाम पर उन दंगों को छुपा लिया जाए तो ये देश के साथ न्याय नहीं होगा, इन दंगों की भी चर्चा होनी चाहिए। शिव प्रताप जी, देखिए शायद हमने पहले ही बताया, जब भी कोई सरकार गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करेगी तो उसके खिलाफ साजिश की जाती है। पूंजीवादी ताकते हैं, सांप्रदायिक ताकते हैं, ये तो आज से नहीं, बहुत पहले से है। हमारे नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ भी की गई, और क्योंकि हमारे कुमार विश्वास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। कुमार विश्वास जी, बहुत बहुत स्वागत है सारदा न्यूज में आपका। धन्यवाद कुमार विश्वास जी। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ये कह रहे हैं, नरेश अग्रवाल जी, कि हमारे जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को उतना अनुभव नहीं है। दूसरी तरफ शिव प्रताप यादव जी कह रहे हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा अनुभव है। दो विरोधाभास की स्थिति यहाँ पैदा हो रही है, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के हालात को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो कि नरेश अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, इससे मेरा को बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं है। नरेश अग्रवाल जी तो हो सकता है शायद भूल भी जाते हो कि आजकल उनका मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि हर बार सरकार में आने के बाद वो दूसरी पार्टी में होते हैं और पार्टियां भी उन्हें ऐसे स्वीकार कर सकती है जैसे गंगोत्री का जल मिल गया और इससे अपनी गद्दी धो लेंगे तो प्रदेश अच्छा हो जाएगा। ये मेरा कंसर्न नहीं है, और यहाँ तक जो आप यहाँ बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि दुर्गा नागपाल का सस्पेंशन लेने आए हैं, पूरा प्रदेश झुलस रहा है। मुजफ्फरनगर में जो गैर सरकारी आंकड़ा है वो सैकड़े की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे समय में जालीदार टोपी लगाकर अपना बयान देने आना आजम खान को बगल में खड़ा करके, वो साफ संकेत दे रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हम चौधरी के परिप्रेक्ष्य में जारी रखेंगे, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो हिंदुओं को संकेत दे रही है। कुल मिलाकर आज विक्रम बत्रा का जन्मदिन है, जो कारगिल में हमारे लिए शहीद हुए थे, जिनका नाम शेर खान कहा जाता था उस समय, और पाकिस्तान में भी उनका डर पैदा किया था कि शेर खान अगर आ गया तो हमको पराजित कर देगा इस वाली चोटी पर। उस समय में ये दोनों पार्टियां जिस तरह की राजनीति कर रही है बहुत ही घृणित और निर्लज्ज है। मुझे दुख होता है कि 67 साल बाद इस देश में भ्रष्टाचार जहां मुद्दा था, विकास जहां मुद्दा था, इन दोनों के चोरी और डकैती जहां मुद्दा था, वहां RTI के दायरे में आने से दोनों पार्टियां बचना चाहती हैं एक दूसरे के गले में हाथ डालकर, जहां ये अपने अपराधियों को सदनों में बिठाए रखने का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसे पलट देना चाहती हैं। ऐसे समय में दोनों अपने अपने
सिचुएशन है कि किसी भी तरीके से वो इकट्ठा कर ले उन वोटों को जो डर पैदा करते हैं लोगों के मन में, जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार गया बाहर में, भैया मोदी ले आओ बीजेपी ले आओ, किस तरह बच्चे तो रहेंगे। और इनके लिए भी इन पोजिशन है कि ये किसी तरह से इकट्ठा कर ले कि भाई देखो मोदी आ गया तो मार दिया जाएगा और ये दंगा होगा हमारे पास। वैसे एक बात तो कुमार विश्वास जी मानना पड़ेगी, आग बहुत है आपके शब्दों में। माधुरी सिंह जी हमारे साथ, हमारी पॉलिटिकल जो राजनीतिक संपादक है वो इस वक्त जुड़ी हुई है। माधुरी जी, कुमार जी आपकी बातों को सुनकर देश का युवा जो है बहुत ही खुश हो रहा होगा कि आपने कितनी क्रांतिकारी बातें कही और जो देश के मुद्दे हैं उनको आपने छुआ। लेकिन जिस तरीके से आप ही की बात से अगर आगे बढ़े तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ही बड़े नेता अपने ही जब मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगा रहे हैं या ये कह रहे सुझाव दे रहे हैं कि चूंकि उनमें अनुभव की कमी है इसलिए तमाम जो उनके फैसले हैं या जो तमाम वो योजनाएं जो प्रदेश में लागू करना चाहते हैं उसमें अनुभव की कमी होने के कारण ही वो आगे नहीं ठीक तरीके से बढ़ पा रहे हैं, इस पर हम आपकी टिप्पणी चाहते हैं। देखिए माधुरी जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लोहिया जी कहा करते थे, उनसे कोई पूछता था कि आपका परिवार क्या है तो वो कहते थे हमारी पार्टी ही हमारा परिवार है। मुलायम सिंह जी ने एक नए समाजवाद की परिभाषा दी है, उनसे पूछे कि आपकी पार्टी क्या है तो वो कहते हैं हमारा परिवार ही हमारी पार्टी है। वहाँ घर की लड़की तक, बहुएं तक, भतीजियां तक, भतीजे तक सब या तो संसद में बैठे या विधानसभा में बैठे या राज्य स्तरीय पद पाकर बैठे, तो क्या क्या समाजवाद और किस प्रकार की स्थितियां। जहां तक नरेश अग्रवाल का प्रश्न है वो जल्दबाजी में कह गए होंगे, बात उनके मुंह से निकल गई होगी क्योंकि उनको तो याद भी नहीं रहेगा कि आजकल वो बसपा में है कि सपा में, उनको देर लगती होगी क्योंकि इतनी बार वो परिवर्तन कर चुके हैं कि मुझे ही ध्यान से देखना पड़ता है कि आजकल प्रवक्ता कौन सी पार्टी के हैं। अखिलेश यादव को शुद्ध वंशवादी राजनीति के प्रतीक के रूप में वहां बिठाया गया था, ना तो उनकी वो योग्यता है ना उन्हें कुछ पता है। फिर लोगों ने उम्मीद जगी कि युवा है बाहर से पढ़ के आए, कुछ तो इनमें विवेक क्षमता होगी, निर्णय होगी। मुझे लगता है अभिषेक मिश्रा के अलावा पूरे मंत्रिमंडल में ऐसा कोई साथी नहीं है जिसे वो सीधे बुला सकते हो। सब तो चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, भतीजे ऐसे लोग हैं कि सबके सामने उन्हें निरुत्तर रहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, इसीलिए 10-12 बार वो अपने फैसले लेने के बाद वापस ले चुके हैं दबावों में। तो जो तमी सरकार केंद्र में चल रही है कि सोनिया गांधी सरकार चला रही है, मनमोहन सिंह बिठा रखे हैं, ऐसे ही आजम खान साहब, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, मुलायम सिंह जी और फलाना जी, धमाका जी, कहीं मुझे नाम याद नहीं है, वो सब मिलकर एक बबुआ को बिठाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश को आग के हवाले स्वाद दिए हुए हैं। चलिए आपने उनको बबुआ कहा, कुमार विश्वास जी अभी आप लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ जो है शिव प्रताप यादव जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। शिव प्रताप जी आपने कुमार विश्वास जी को सुना, उन्होंने कहा कि ये कैसा समाजवाद है जहां एक ही परिवार के सारे लोग जो है तमाम पदों पर बने हुए हैं, ये परिवारवाद है या समाजवाद है, समाजवाद है इसका जवाब हम आपसे लेना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, जितने भी चाहे वो शिवपाल जी हों, चाहे वो माननीय आजम खान साहब हों या जितने भी हों, सब चुनाव लड़के आए हैं, जनता ने चुना है, कोई डायरेक्ट नॉमिनेटेड नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी, शायद कुमार विश्वास जी को नहीं पता होगा कि हजारों किलोमीटर साइकिल उन्हें चलाया है और इन्होंने जो है गरीबों के घरों में झोपड़ियों में रहे, तो इतना ये कहना कि ये वंशवाद है या परिवारवाद है एकदम गलत है। संघर्ष करके जनता के बीच में लड़ाई लड़के जनता के द्वारा चुने गए हैं, कोई उनको राज्यसभा में या उसमें नहीं भेजा गया है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, पूरे प्रदेश में क्रांति रथ से इन्होंने दौड़ा किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने और साइकिल चलाया है और जो है ऐसा मुख्यमंत्री है जिनके पास हर जिले के हर कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र से 200-400 लोगों का बाई नेम बाई फेस जानते हैं प्रताप जी को। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, देखिए माधुरी जी हमारे साथी बैठे हैं, ये पेची नूरा कुश्ती है, कन्नौज में तो सीट खाली हो गई तो डिंपल यादव लड़ी, अब डिंपल यादव भी जरूर साइकिल पे गई होंगी, उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया होगा शिवपाल जी के अनुसार। और आप आश्चर्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस जो विपक्ष बनते हैं उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। देश के इतिहास में यह अजीब खेल हुआ कि वो निर्विरोध निर्वाचित हो गई, 2-4 बेचारे निर्दलीय थे, उन्हें हमारे यहाँ का बहुबल उठा के ले गए, बाजी के सामने तुम कैसे खड़े हो जाओगे, तुम्हारी क्या औकात। तो मतलब ये किस तरह के पकड़े मिले हुए हैं, उधर वो अमेठी में खड़ा नहीं करते हैं, इधर ये कन्नौज में खड़ा नहीं करते हैं। तो इन्होंने लोकतंत्र को डायनेस्टी बना दिया है, इन्होंने इसको राजवंश बना दिया है, एक वंश यादव कुल का है, एक वंश गांधी कुल का है, एक वंश अब राजनाथ सिंह जी का भी आ गया, उनके भी पंकज सिंह मैदान में आ गए हैं। लगातार जो प्रक्रिया है इन्होंने इसका नाश कर दिया, मुझे लगता है कि जनता के मनोबल को जिस तरह तोड़ रहे हैं वो दिन तोड़ने के देश गए की कगार पे आ गया। और जो छत्तीसगढ़ में हुआ है कि वहां के लोगों ने अपने हाथ में ले लिया और चुने हुए राजनीति का निर्वाचित रूप से लोकतांत्रिक लोग थे उनको स्वास्थ्य पर मारा गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रताप जी कोई जवाब है कुमार विश्वास जी की बातों का आपके पास? देखिए ऐसा है,
लोकतंत्र में जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं होता है। हम जनता ने चुना है, कुमार विश्वास जी की पार्टी भी है, वो भी आवे मैदान में, जनता इसको ये बतावे कि बंसवाज आई सब सारे मुद्दे उठावे। जनता तय करेगी कि माननीय समाजवाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी का है, नेताजी का है या इनका है। तो मैं कहना चाहता हूँ जनता की अदालत में आएंगे, जनता की अदालत में पता चल जाएगा, फैसला लेगी जनता। लोकतंत्र में जनता का जो फैसला है वही सर्वोपर है। हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, हमारा नेता हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास किया है, तो जो जनता जो चुनती है उसका हम सम्मान करते हैं। आप ही की बात पर आते हैं शिव प्रताप जी, आपने कहा लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारा विश्वास है, तो आप जनता की बात को एक सेकंड के लिए अगर दरकिनार भी कर दें एक सेकंड के लिए, और आप ही के पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को ही लोकतांत्रिक माने, तो उनकी ही राय है कि आपके मुख्यमंत्री नौसिखिया है, उनमें अनुभव की कमी है, तो जाहिर तौर पर अगर वो ही आशंका जता रहे हैं तो प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, जनता तो स्वागत कर रही है, जनता तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही है। कैसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने जो मेट्रो ले आए लखनऊ में, ऐसे मुख्यमंत्री जो गरीबों को बैटरी 40 फ्री में रिक्शा देने जा रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री है फ्री में लैपटॉप दे रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री है जो गरीब महिलाओं को साड़ी बांटने जा रहे हैं, गरीबों को कंबल देने जा रहे हैं, ऐसा गरीब परवर मुख्यमंत्री है जो किसानों को कर्जा माफ किया है, ऐसा गरीब परवर मुख्यमंत्री है जो गरीबों के लड़कियों को जो है कन्या विद्याधन दे रहा है। जनता स्वागत कर रही है और आने वाले 2014 में कुमार मिश्रा जी इतने सारे तो काम किए हैं मुख्यमंत्री साहब ने, बताइए आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। मैं शिव प्रताप यादव जी को बता दूं कि गरीब मुख्यमंत्री जो गरीबों को बांट रहे हैं ये कोई सैपाई से नहीं ला रहे, मेरे टैक्स का पैसा है। और देखिए इनकी मजबूरी, आप इनसे बेचारों से ऐसे सवाल मत पूछिए, इनका जो टोटल अस्तित्व है इस राजनीतिक परिभाषा में समाजवादी पार्टी की, में ये सब भाषा बोलने के लिए बात क्या है जो ये बोल रहे हैं। अब नरेश अग्रवाल ने बोल दिया है बात की, भाई नौसिखिया मुख्यमंत्री है, मुलायम सिंह जी ने राष्ट्रीय राजनीति में उतरते समय अपने बच्चे को भगवा को खेलने के लिए खिलौना दे दिया, इसका नाम उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में आग लगे जंगल हो जाए कुछ हो जाए वो उसके हिसाब से चल रहा है। तो देखिए ये बात नहीं सही है कि हाँ जनता तय करती है। मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता के पास ऑप्शन नहीं था, उसके पास बसपा की लूट थी, उसके पास समाजवादी पार्टी की गुंडी थी, कांग्रेस का भ्रष्टाचार था और भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ कहना और उनका सत्ता, उसके पास विकल्प नहीं था। उसने देखा कि नया लड़का आया, चलो इसमें ऊर्जा लगाते हैं, 225 सीट के दी। उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी गलती का आभास हो गया और 2014 में वो उम्मीद करते हैं शिवपाली ने जैसा कि वो गलती नहीं कहा, हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता राजनीति का संकेत देगी कि एक बार गलती होगी आपके कहते के नाम पर, एक बार गलती नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव प्रताप जी संक्षेप में चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे जवाब में? देखिए जहाँ तक सवाल है, मैंने शुरू में कहा कि कुंभ मेला का आयोजन जहाँ 50 करोड़ लोग आए, 18 महीने में बड़ा 18 महीने में 28 दंगे, देखिए 28 दंगे नहीं है ये छोटे बड़े सब मिला के ये कराए गए हैं, उसको आज तो आपकी नाकामयाबी है ना, अगर रोक नहीं पा रहे हैं, अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो ये नाकामयाबी हुई ना। नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए जब भी कोई गरीबों काम करता, मैंने शुरू में कहा था हम गरीबों के लिए अभी साड़ी बांटने जा रहे हैं, महिलाओं को रिक्शा बांटने जा रहे हैं, तो इन लोगों को भा नहीं रहा है। हम अस्पतालों में जो है पर्चा के दाम 20 रुपया, चलिए ये साड़ियां और ये रिक्शा कितना जनता इससे सहमत हो गई। शिव प्रताप जी फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये 2014 का चुनाव बता देगा। माधु जी आखिरी टिप्पणी बहुत संक्षिप्त, मैं बहुत जल्दी बताऊंगी, उन्होंने बात को डाइवर्ट कर दिया, गरीबी पर बात करने लग गए, लेकिन मसला यहाँ पर कानून और व्यवस्था का, साड़ी से सत्ता, बिल्कुल साड़ी से सत्ता तक पहुँचने की बात तो वो समझ रहे होंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के महासचिव जब अपने अपने मुख्यमंत्री पर ही संदेह व्यक्त करेंगे तो प्रदेश की जनता क्या कर रही, क्या सोच रही होगी, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछले 10 दिनों तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चुप थी, उससे ऐसा लगता है कि सरकार चाहती थी कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की बातें आए जिससे तमाम राजनीतिक दलों को फायदा हो, और कहीं ना कहीं उस फायदे के इंतजार में सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, और ऐसा लगता है कि इतने अधिक राजनीतिक संवेदनशीलता उनके अंदर अब नहीं बची है कि आम लोग मर रहे हैं और सरकार देख रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी, तो ये देखना होगा कि 2014 में साइकिल आगे बढ़ेगी या उसकी हवा निकाल दी जाएगी। स्पेशल में इतना ही, नमस्कार।